रुद्रपुर स्थित आशीर्वाद पुरम कॉलोनी में बीती रात चोरों ने ट्रांसपोर्टर डॉक्टर अरुण गुप्ता के घर में धावा बोल दिया और लाखों रुपए नकदी सहित 15 तोले की जेवरात ले उड़े। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काम वाली घर की साफ सफाई के लिए पहुंची तो उसने देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। घबराकर उसने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसी डॉक्टर अरुण गुप्ता से संपर्क कर उनके पारिवारिक मित्र विजेंद्र के साथ घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि तीनों बेडरूम के ताले टूटे हुए हैं और घर के अंदर रखी सभी अलमारियों के सामान बिखरे पड़े हैं। मकान मालिक के अनुसार घर में लगभग 12 तोला से अधिक का सोना था और 3 से 4 लाख रुपए नकद रखे थे। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल टीम आशीर्वाद पुरम कॉलोनी पहुंची और पूछताछ में जुट गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक पड़ोसी के अनुसार 8 मार्च की दोपहर को अरुण गुप्ता के घर का गेट खुला हुआ था। पड़ोसी ने समझा कि काम वाली अंदर काम कर रही होगी इसलिए गेट खुला है। फिलहाल अरुण गुप्ता दिल्ली से अपने परिवार के साथ रायगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके आने के बाद ही चोरी किए गए सामान और नगद की सही जानकारी मिल पाएगी। बेटी की शादी की तैयारी में जुटे गुप्ता परिवार ने यदि घर की देखभाल के लिए कोई चौकीदार रखा होता तो शायद यह घटना नहीं होती। सीसीटीवी की अनिवार्यता के लिए बार बार पुलिस विभाग लोगों को जागरूक करता रहा है परंतु लोग इस बात को नहीं समझते। आपको बता दें कि आशीर्वाद पुरम कॉलोनी शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी है लेकिन ना यहाँ पर कोई गार्ड की व्यवस्था है और ना ही कोई बाउंड्री वॉल बना है। लोग लाखों रुपए लगाकर कॉलोनी में मकान तो ले लेते हैं लेकिन वही कॉलोनाइजर जिन्होंने मकान बेचकर लाखों रुपए कमाया है वह अपनी कॉलोनी में सुरक्षा का कितना ख्याल रखते हैं यह सोचने वाली बात है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।